अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं अपने चैनल में बहुत मज़े की सिंपल चिकन फ्राई की रेसिपी बना रही हूँ। इसके सिंपल से इंग्रेडिएंट्स हैं और इजीली ये तैयार भी हो जाती है, तो जब भी बहुत मज़े की रेसिपी बनाने को दिल करे आप ये रेसिपी ट्राई कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें देख लेते हैं कि हमें क्या इन्ग्रीडियंट्स चाहिए। आधा किलो मैं यहाँ पर चिकन यूज़ कर रही हूँ। चिकन को मैंने अच्छे से धो के साफ़ कर लिया है। एक बड़े साइज़ की प्याज बिल्कुल बारीक चॉप की हुई, हाफ कप कुकिंग ऑयल, 1.5 टेबलस्पून लेमन जूस, 1.5 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1.5 टीस्पून वाइट पेपर एंड 1 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स, 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और 2 टेबलस्पून फुल मिल्क पैक क्रीम। तो ये रेसिपी बनाने से पहले सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट कर लेते हैं। चिकन में हम सारे स्पाइसेस, सबसे पहले मैं अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करूँगी, मिल्क पैक क्रीम। अगर आपके पास मिल्क पैक क्रीम मौजूद ना हो तो आप दूध की बलाई भी यूज़ कर सकते हैं। रेड चिली सीड्स, सॉल्ट, गरम मसाला, वाइट पेपर और लास्ट पे लेमन जूस। अब हम इसे हाथ की मदद से अच्छे से मिक्सअप कर लेंगे ताकि इस पर सब चिकन के पीसीस पे ये अच्छे से लग जाए। अगर आपके पास मिल्क पैक क्रीम या दूध की बिलाई अवेलेबल नहीं है तो आप दही भी यूज़ कर सकते हैं। सब पीसेस पे मैंने ये अच्छे से लगा दिए हैं मसाले। अब हम इसे तकरीबन 10 मिनट के लिए मैरिनेट करने के लिए रख देंगे। तब तक हम प्याज को फ्राई कर लेंगे ऑयल में। नॉन स्टिक कढ़ाई ली है मैंने यहाँ पे, इसके नीचे मैंने फ्लेम ऑन कर दी है। इसके अंदर मैं कुकिंग ऑयल ऐड करूँगी और जब कुकिंग ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो जाएगा तो हम इसके अंदर प्याज ऐड कर देंगे। ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है, अब हम इसके अंदर प्याज ऐड करेंगे। फ्लेम इसके नीचे मैंने मीडियम ही ऑन की हुई है और प्याज का कलर हम लाइट ब्राउन कर लेंगे। प्याज का कलर हमने लाइट ब्राउन कर लिया है, अब मैरिनेट किया हुआ हम इसके अंदर चिकन ऐड कर देंगे। मिक्सअप कर लेंगे। इसे अच्छे से मिक्सअप करने के बाद मीडियम फ्लेम पे ही अब मैं इसे कवर करके रख दूंगी। आधे घंटे के लिए इसे मैंने लो फ्लेम पे रख दिया था पकने के लिए कवर करके। अब हम इसे चेक कर लेते हैं। हमारी चिकन की रेसिपी बनके तैयार है। ये अच्छे से गल भी चुका है, इसके नीचे हम फ्लेम बंद कर देंगे और इसे प्लेट में निकाल लेंगे। इसके अंदर ज़्यादा ग्रेवी नहीं है, बस हल्का हल्का सा मसाला है। ये देखें, मज़ेदार स्पाइसी फ्राई चिकन की रेसिपी बनके तैयार है। इसके ऊपर मैंने ग्रीन चिलीज़ और रेड चिलीज़ ऐड की हैं। आप इसके साथ केचप, मायोनीज और रायता, जो आपको बेस्ट लगे वो यूज़ कर सकते हैं।
आप इसे ट्राई करें, और अगर आपको ये पसंद आए तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।